दशरथ आदर सहित बैठाए पाँव पखारे गंगा जल से। भाग जो दर्शन पाए मुनिवर अपना कार्य बताए। बोलिए किस कारण से आए अपनी सेवा का अवसर दे। मेरे भाग्य को धन्य बना विश्वामित्र प्रसन्न हुए हैं। रह राजा दशरथ को बताए ताड़ का नाम के एक राक्षसी ऋषि मुनियों को रही सता चूक क्षमा हो जाए। विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो गए, क्रोध की उनकी सीमा नाए। गुरु वशिष्ठ जब सामने आए दशरथ जी को रह समझाए। राम लखन को भेज दो दशरथ मुनि का यज्ञ पूरा करवाए। दशरथ राम लखन को भेजे। बहुत से लोगों को रही सताए, कैसे नारी पे शस्त्र चलाऊं। मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए अत्याचारी नारी पुरुष को। मारना धर्म रहा बतलाए विश्वामित्र की बात को सुन के। राम लखन फिर धनुष उठाए भीषण युद्ध छिड़ा जंगल में। मुश्किल हो जाए ताड़ का हो जाएगी भयंकर। ताकत इसकी दुगनी हो जाए विश्वामित्र की बात सुने हैं। सीने पे दिए बाण चला छाती फट गई ताड़ का की। गिरी धरा पे गर्जन लाए श्री राम तड़का को मारे। विश्वामित्र रहे मुस्काए विश्वामित्र आश्रम पे शिक्षा देकर। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर मुनिवर यज्ञ शुरू कर
असुर रहे हैं बहुत सताए, भंग ना होने पाए। असुरों को दिन मार गिराए ऐसा कहकर विश्वामित्र ने भीषण यज्ञ शुरू करवा। मनोहर रहा दिखा विश्वामित्र ने राम लखन को, पुष्प वाटिका दिया पठाए, पूजा के लिए पुष्प ले आओ। राम लखन चल दिए सिरनार, पुष्प वाटिका में जा पहुंचे, जिसकी शोभा न बरनी जाए, कई प्रकार के फूल खिले थे, हरे भरे वृक्ष रहे लहरा। सारी बात बता ऐसा सुंदर पुरुष न देखा, धन्य नैन जो दर्शन पाए, दो युवक देखे हैं मैंने। उस वाटिका गए हैं सुंदर सुंदर फूल चुन रहे, जिसे देख सुंदर तल जाए, सीता संग सखियों ने सुना तो। भवरे शोर मचा प्रथम मिलन हुआ सिया राम का, जो देखे देखत रह जाए, गौरी मंदिर गई है सीता, बर मांगी गौरा से जाए, श्री राम ही मेरे पति हो। दू जाना कोई दिल में समाए, गौरा ने आशीष दिया है, तेरी मनोरथ सिद्ध हो जाए, सीता राज भवन जा पहुंची। सिया गई
सहित देना बतला। धनुष यज्ञ में आमंत्रित है, जनक निमंत्रण दिए बैठा। सतानंद जी जनक का न्योता विश्वामित्र को दिए है जा। निमंत्रण स्वीकार किए मुनि, मन ही मन में रहे मुस्कान। सीता स्वयंवर में आऊंगा। इसमें कोई शंका ना, राम लखन को संग लाऊंगा। बोले वो सतानंद से जा। राम लखन चल रंग भूमि में, विश्वामित्र संग दोनों भाई। सबने सुना राम लखन आ रहे, नर नारी दौड़े हर साय। राम लखन को जो भी देखे वो तो देखत ही रह जाए। धनुष बाण कर में है सुशोभित, तन पे पीतांबरी लिपटा। सभी रहे लगा रावण के संग बाणासुर भी। देख के धनुष गए घबरा, लौट गए निज धाम को दोनों। राजा जोर रहे हैं लगा, एक एक कर राजा हारे। जनक की चिंता बढ़ती जाए, वीर विहीन मही मैं जानी। व्यर्थ ही शर्त में दिया लगा। भरी सभा में जनक बोले तो लक्ष्मण जी गए क्रोध में आए। खुद को लक्ष्मण रोक न पाए, बोले सभा बीच में आए। कंदुक संपन्न भांड उठाऊं, मुनिवर जो आदेश सुना। इस धनुष के टुकड़े कर दूं। इस धनुष के टुकड़े कर दो भैया से आदेश जो पाए। राम ने लखन को शांत कराया, हाथ पकड़ आसन पे बैठाए। विश्वामित्र आदेश दिए तो राम ने धनुष को लिया उठा।
मुस्क तोड़ा। शीघ्र सभी दो मुझे बता परशुराम की सुनकर बातें। राजा सभी गए थर्रा बात आगे बढ़ने से पहले। श्री राम जी सामने आए परशुराम से राम जी बोले, मेरी चूक क्षमा हो जाए आपके दास ने धनुष को तोड़ा। परशुराम को राम बताए लक्ष्मण जी तब क्रोधित होकर। परशुराम के सामने आए बचपन में मैंने कितने धनुष को। लाल को रहे समझा परशुराम का धनुष सताही। गया राम के पास में आए परशुराम को पता चल गया। विष्णु गए धरती पे आए नारायण अवतार राम है। देख के परशुराम मुस्काए परशुराम जी वहां से चल के। महेंद्र पर्वत गए हैं आए विश्वामित्र जनक से बोले, सुनिए ध्यान लगा शीघ्र ही दूत अयोध्या भेज के। शीघ्र ही दूत अयोध्या भेज के बात दे दशरथ को बतलाए विधि विधान से विधिवत शादी। चारों भाइयों की जाए शुरू हुई शादी की तैयारी। चार दशरथ को सुनाए राम विवाह की बातें सुनके। अयोध्या वासी गए हर्षा सतानंद जी लगन पत्री को। दशरथ जी को दिए थमाए दशरथ जी देख लगन पत्री को। मन ही मन में रहे हर्षा बजे नगर में ढोल नगाड़े। मंगल कलश को सभी सजाए सज दुल्हन सी अयोध्या नगरी। जनक के संग तिलक हरुआ राजा जनक जी तिलक चढ़ाते। राजा जनक जी तिलक चढ़ाते श्री दशरथ जी रहे मुस्कान। तिलक हरु भोजन पे बैठे रही नारियां गाली सुना संग। सब तिलक हरु जनकपुरा राजा जनक जनकपुर आए। जनकपुरी को रहे सजवाए सीता जी को लेकर सखिया। कुल देवी को पूजन जाए लगन चढ़ गया फिर सीता का। सीता जी बाहर ना जाए हल्दी उपटन लगी सीता को। सखिया मंगल गीत सुना जी। दिए खबर पठा सुनकर खबर जनक जी आए।
दशरथ जी हैं रहे मुस्कान।